भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 12। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम निर्मा पित स्त्री भुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्यणवह पृथिव्यां यत्ते समान मपरम नहि रूप मस्ति। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम निर्मापित स्त्री भुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्यणवह पृथिव्यां यत्ते समान मपरम नहि रूपमस्ति। 12वें श्लोक में आचार्य मांतुंग कह रहे हैं, तीन जगत में असाधारण तिलक समान वीतराग आभा वाले जिन परमाणुओं से तुम्हारा निर्माण किया है वे परमाणु इस पृथ्वी पर उतने ही हैं, क्योंकि इस धरती पर तुम्हारे समान रूप वाला दूसरा कोई नहीं है। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 13। वक्त्रम क्व ते सुर नरो रग नेत्र हारी निःशेष निर्जित जगत त्रित योप मानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशा करस्य यत् वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। वक्त्रम क्व ते सुर नरो रग नेत्र हारी निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। 13वें श्लोक में आचार्य मांतुंग कह रहे हैं, देव मनुष्य और तिर्यंच के नेत्रों को हरने वाला तीन लोक की संपूर्ण उपमाओं को जीतने वाला कहाँ आपका मुख, कहाँ चंद्रमा का कलंक से मलिन बिंब जो दिन में ढाक के पीले पत्ते जैसा हो जाता है। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 14। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास स्त्री भुवनम तव लंघ यन्ति ये संस्रिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा स्त्री भुवनम तव लंघयन्ति ये संस्रिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। 14वें श्लोक में आचार्य मांतुंग कह रहे हैं, हे तीन जगत के ईश्वर, पूर्णिमा के चंद्रमा की कलाओं के समूह के समान उज्ज्वल गुण तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। जिन गुणों ने विश्व के एकमात्र त्राता का आश्रय लिया है उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करते हुए कौन रोक सकता है। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 15। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंद राद्रि शिखरम चलितम कदाचित। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गं
कल्पन्ते काल मरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। कह रहे हैं, यदि देवांगनाओं ने तुम्हारे मन को विकार युक्त नहीं बनाया तो इसमें क्या आश्चर्य है। पर्वत को प्रकंपित करने वाले प्रलय काल के पवन से क्या मंदर पर्वत का शिखर कभी प्रकंपित होता है। निर्धूम वर्ती रप वर्जित तैल पूरह कृत्स्नम जगत त्रय मिदम प्रकटी करोसी गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरः कृत्स्नम जगत्त्रयमिदं प्रकटी करोसि गम्यो न जातु मरुतं चलिता चलानाम दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। हे नाथ, तुम जगत को प्रकाशित करने वाले अलौकिक दीप हो। दीप तेल और बाती से जलता है और उससे धुआं निकलता है। इस अलौकिक दीपक को न बाती की जरूरत है न तेल की, वह निर्धूम है। दीप सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है, तुम इस परिपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हो। दीप को हवा का एक झोंका भी बुझा देता है। इस अलौकिक दीप को पर्वत को प्रकंपित कर देने वाला प्रलयवात भी नहीं बुझा सकता। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 17। नास्तम कदा चिदुपयासि न राहु गम्यः स्पष्टी करोसि सहसा युगपद जगंती नाम्भो धरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्याति शाई महिमाशि मुनिन्द्र लोके। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युगपद् जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमाशि मुनिन्द्र लोके। सत्रहवें श्लोक में आचार्य मान्तुंग कह रहे हैं, हे मुनिन्द्र, लोक में तुम सूर्य से भी अतिशय महिमा वाले हो। सूर्य उगता है और अस्त हो जाता है, तुम्हारा ज्ञान सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सूर्य राहु का ग्रास बनता है, तुम्हारा ज्ञान सूर्य राहु से ग्रसित नहीं होता। सूर्य सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है, तुम्हारा ज्ञान सूर्य तत्काल एक साथ तीन लोकों को प्रकाशित करता है। सूर्य बादलों की ओट में छिप जाता है, तुम्हारे ज्ञान सूर्य का महान प्रभाव कभी आच्छन्न नहीं होता। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 18। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानाम विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योतयज जगद पूर्व शशांक बिंबम। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानाम विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योतय जगद पूर्व शशांक बिंबम। आचार्य मान्तुंग 18वें श्लोक में कह रहे हैं,
चंद्रमा केवल रात में उदित होता है, तुम्हारा मुख चंद्र नित्य उदित रहता है। चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, तुम्हारा मुख चंद्र मोह रूपी अंधकार को दूर करता है। चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, तुम्हारा मुख चंद्र राहु से ग्रसित नहीं होता। चंद्रमा बादलों से आच्छादित हो जाता है, तुम्हारा मुख चंद्र बादलों से आच्छादित नहीं होता। चंद्रमा सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है, तुम्हारा मुख चंद्र पूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। इसलिए तुम्हारा मुख चंद्र अद्भुत है, अत्यधिक कांति वाला है। श्लोक नंबर 19। किम सर्व रीसु शशिनान्नी विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्न साली वन सालिनी जीव लोके कार्यम कियत् जल धरै जलभार नम्रहि। किं सर्वरीषु शशिनान्नि विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके कार्यम कियत् जल धरै जल भार नम्रै। 19वें श्लोक में आचार्य मानतुंग कहते हैं, हे नाथ, तुम्हारा मुख चंद्र अंधकार को नष्ट करता है, फिर रात्रि में चंद्रमा, दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन। इस जीव जगत में जब खेतों में धान पक चुका है, फिर जल के भार से झुके हुए मेघों से क्या प्रयोजन। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 20। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम् नैवम तु काच शकले किरणाकुलेपि। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। आपका आश्रय लेने वाला ज्ञान जैसा आप में सुशोभित होता है, वैसा हरिहर आदि नायकों में नहीं। मणियों में स्फुरित होते हुए तेज का जैसा महत्व होता है, वैसा सूर्य की किरणों से चमकते हुए कांच के टुकड़ों में नहीं। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 21। मन्ये वरम हरि हरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोस मेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्त रेपि। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोस्मेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। मानतुंग कहते हैं, मैंने आपको देखने से पहले हरि हर आदि को देख लिया, यह अच्छा हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। उनके सराग चरित्र को देखने के पश्चात तुम्हारा वीतराग चरित्र मुझे तोष दे रहा है। आपको देखने से क्या हुआ, एक विचित्र मनोदशा हो गई।
हे नाथ, अब इस धरती पर मेरे मन को हरण करने वाला अन्य कोई नहीं है। इस जन्म में क्या, भवांतर में भी कोई मेरे मन का हरण नहीं कर सकता। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिक् जनयति स्फुर दंसु जालम्। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशु जालम्। आचार्य मान्तुंग ऋषभ की माँ की स्मृति करते हुए कहते हैं, प्रभो धन्य है आपकी माता को जिसने ऐसे अनुपम पुत्र को जन्म दिया। सैकड़ों हजारों स्त्रियां पुत्र का प्रसव करती है, किंतु किसी माता ने ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया जो आपकी तुलना में आ सके। सब दिशाओं में नक्षत्र और तारे हैं, प्रकाश सब दिशाओं में जाता है, किंतु सूर्य को सब दिशाएं उत्पन्न नहीं करती। सूर्य किस दिशा में निकलता है, अंशु सब दिशाओं में है, पर अंशु का जाल सब दिशाओं में नहीं है। अंशु माली को पूर्व दिशा ही उत्पन्न करती है।